आप सभी को नमस्कार। मैं अंकेश धाकड़, एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे जो RBS की भी यूनिवर्सिटी है जो आपकी ग्वालियर में स्थित है, उसमें आपकी जो BSc एग्रीकल्चर और BSc हॉर्टिकल्चर की जो सीटें बढ़ाई गई हैं इस सत्र से, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके इसी के साथ उन बच्चों के लिए बहुत खुशखबरी होगी कि ये जो बच्चे अभी एडमिशन लेने वाले हैं इसी सत्र में, तो और इसका सीटें बढ़ी हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि कट ऑफ पर भी बहुत अंतर आने वाला है। क्योंकि पहले BSc AG और BSc हॉर्टिकल्चर की हम बात करें सीटों की, तो वो आपकी 1100 के लगभग थी। अब ये मान लीजिए कि 200 सीटों इंक्रीज़ हुई हैं आपकी, 150 से 200 सीट, 150 सीटें आप मिनिमम मान लीजिए, तो 150 सीटें इंक्रीज़ हुई हैं, तो आप सब जान सकते हैं कि कट ऑफ कितना रहने वाला है। मैंने इससे पहले एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो बनाई हुई थी, उसमें आपने देखा था कि मैंने कितना कट ऑफ कम बताया था। और इसके अतिरिक्त अब ये सीटें में वृद्धि और हो गई, तो इससे क्या होगा कि कट ऑफ और भी कम जाने वाला है, तो बच्चों के सिलेक्शन की संख्या भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, और इसी के साथ आप हमारे एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड जो चैनल है हमारा, उससे आप जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हम इसी के साथ हमारे जो अन्य सोशल अकाउंट हैं उनसे आप जुड़ सकते हैं, जिसमें हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है और एप्लीकेशन है। और इसमें हम अब देख लेते हैं कि आपके सामने ये दिखाई दे रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है कार्यालय कुल सचिव राजमाता विजयराज सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर। ये जो जो आपको पेज दिख रहा है, ये एक तरीके से उनका ऑफिशियली ऑर्डर है, जो उनकी वेबसाइट RBSKVV.com पे मिल जाएगा। ठीक है, विश्वविद्यालय प्रमंडल की 52वीं बैठक दिनांक 10/6/2024 को हुई थी। इसमें अतिरिक्त पद क्रमांक 03 से लिए गए निर्णयानुसार संहिता, मतलब नई शिक्षा नीति इसमें अभी लागू नहीं हुई है। ये क्या हुई, पुरानी जो शिक्षा नीति थी चल रही थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उसी के अनुसार इसमें जो सीटें हैं ये लिखा, आप पढ़िए थोड़ा सा। और महाविद्यालय के स्नातक, मतलब कि आपकी जो BSc है उसमें आपका उपाधि पाठ्यक्रम सत्र 2024-25, इस चीज़ को विशेष ध्यान से पढ़ें कि 2024-25 में जो आपका एडमिशन होगा वो कौन सत्र में होगा, 2024-25 में। तो निम्न सीटों की वृद्धि की जाने तथा या अन्य इसके पश्चात स्नातक पाठ्यक्रम में आगामी सत्र में क्या होगा कि 2025-26 से क्या होगा, 10% जो बेसिक फ्री सीटें हैं वो बढ़ाई जाएंगी। मतलब कि 2024-25 से क्या होगा, इसमें जो सीटें हैं वो बढ़ा दी गई हैं, और 2025-26 से क्या होगा कि हर बार 10% जो सीटें वो बढ़ेंगी। तो ये एग्रीकल्चर बच्चों के लिए बहुत खुशखबरी की बात है। और हम किस में इसमें बात करने वाले हैं कि आप देख सकते हैं, पहले इसमें लिया हुआ एग्जिटिंग सीट स्टेट ऑफ यूज प्रोग्राम, मतलब इससे पहले जो पुरानी जो सीटें हुआ करती थी, पहले की हम बात करें तो उसमें आपकी देख सकते हो ये लिखा हुआ है 60 सीटें। ये देखिए आप, लिखा हुआ है 60 सीटें थी पहले, लेकिन अब कितनी हो गई हैं, ये आपका ओल्ड वाला दिया हुआ है, ये न्यू दिया है। न्यू में कितनी हो गई हैं आपकी बेसिक फ्री सीटें, 80 सीटें हो गई। तो और इसी के साथ आप देखा कितनी सीटों का अंतर आ गया, इसमें 20 तो सीटों जी इसी फ्री सीटों का ही अंतर आ गया। उसी के साथ पेमेंट सीटों में भी अंतर आया है, और ICS जो सीटें अलॉट होती हैं उनमें भी अंतर आया है, और उसके बाद NRI से जो बच्चे हैं उनको सीट मिलती थी उसमें भी अंतर आया है। तो टोटल पहले पहले टोटल सीटें हुआ करती थी आपकी 87, वही आपके अब बढ़ गए। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो ग्वालियर कॉलेज है उसमें कितनी सीटें हो गई हैं, अब 116 सीटें आपकी हो चुकी हैं, तो 116 सीटों पर प्रवेश मिलेगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। तो इसकी अब पहले हम किसकी बात कर रहे थे, सबसे पहले आप देख सकते हो, सबसे पहले हमने किसकी चीज़ की बात की है, इसमें कॉलेज कौन से कॉलेज की बात की है, हमने सबसे पहले बात की कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर ग्वालियर की। पहले सीटें कितनी थी उसमें, 87 थी, और अब कितनी हो गई, 116 सीटें आपकी हो गई हैं। ठीक है, उसके हम बाद हम बात कर रहे हैं सीहोर कॉलेज की। तो सीहोर कॉलेज में पहले कितनी सीटें थी, 87 सीटें थी, और आज की हम बात करें तो 116 सीटें इसमें वृद्धि कर दी गई है। ठीक है, उसके बाद हम बात करने वाले हैं आपका कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंदौर की। तो इसमें वैसे फ्री सीटें हैं वो आपकी 60 हैं, और उसके बाद टोटल सीट की हम बात करें तो इंदौर में कितनी हो गई, इंदौर में भी आपकी 87 सीटें हैं। ठीक है, पहले पहले आप पुरानी सीटें हैं ना, और अब बढ़ के कितनी हो गई, 116, मतलब कि अब टोटल सीटें इनमें कितनी हो गई, तीनों में 116 116 सीटें सभी हो गई। पहले केवल 87 या 87 सीटें हुआ करती थी, और आज 116 हो गई। तो आप समझ सकते हो कितनी सीटें बढ़ गई हैं, 25 से 28 सीटें आपकी बढ़ चुकी हैं, है ना। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर खंडवा की। तो खंडवा में पहले 57 सीटें हुआ करती थी, और आज 87 सीटें हो चुकी हैं। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को समझ गए होंगे आप। और अगर हम ये अभी तक मैं बताते आ रहा था वो आपको BSc एग्रीकल्चर सीटें थी, और अब बात करें तो हम कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर मंदसौर की बात कर रहे हैं। तो मंदसौर में अभी तक 57 सीटें थी, और अभी अब सीटें कितनी संख्या में हो गई, 87
87 सीटों पे आपको अब एडमिशन मिलेगा। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और ये ऑफिशियल नोट से ये मेरी तरफ से नहीं है, तो है ना, तो इस चीज़ को आप विशेष ध्यान रखें। और इसी के साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।